आपकी Z4 मैनुअल है? Z4 मैनुअल। तो मैनुअल ले तो लिया आपने, कैसा लग रहा है? अंडर पावर्ड भी है सुना है? 130 BHP वाला। जी बिल्कुल सही है, 19 टच कर रही है आराम से, इजीली कहूंगा कि इसकी एवरेज अच्छी है। अच्छा, हाँ पावर में थोड़ा ही डाउन है, तेज भगाने के लिए गाड़ी भी नहीं है। इसका स्टीयरिंग कांपता है, टायर साइज चेंज नहीं किया था। 45-65 R17 लगा, टायर वही रखा, काफी अच्छे रहे। पीली लाइट इसलिए रखी हुई है कि भाई बेसिकली हरियाणा से हैं तो खेतों में और इसमें चलने वाली गाड़ियां हैं। तो फ्रेंड्स वेलकम करते हैं इस गाड़ी के ऑनर को दोबारा से और पूछते हैं भाई बाजार में इतनी गाड़ियां हैं, ये क्यों खरीदी, क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैनुअल है, पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सुमित जी से पूछते हैं कि भाई बाजार में इतनी गाड़ियां आपने ये क्यों खरीदी? सुमित जी गाड़ियां तो वैसे देखो 2008 से गाड़ियां में थे, आज के टाइम पे एक नेसेसिटी है गाड़ी। 2008 से गाड़ियां चला रहे थे कॉलेज टाइम से ही, पहले अल्टो, सिलेरियो, वरना, ये अपने ब्रेजा भी ली थी, फिर हमने इसकी तरफ मूव ऑन करी बीच में, मतलब भाइयों की जैसे थार थी तो ये इनमें हम काफ़ी हमने किया। उसके बाद यही लगा कि यार गाड़ी लो तो एक अच्छी प्रॉपर SUV लो, ठीक है। आप मेरे साथ कोशिश किसी बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसको गाड़ी चलानी नहीं आती, मतलब मैं ब्रेकरों पे थोड़ा कंजूस हूँ ब्रेक मारने में। अच्छा, तो इस वजह से एक थोड़ी प्रॉपर SUV गाड़ी चाहिए। तो आपने ले रखी गाड़ी है आपकी Z4 मैनुअल है? Z4 मैनुअल। तो मैनुअल ले तो लिया आपने, कैसा लग रहा है? अंडर पावर्ड भी है सुना है? ऐसे ये इसमें वो वाला इंजन है जो स्कॉर्पियो क्लासिक में है अपना। हाँ, 130 BHP वाला। जी बिल्कुल सही है, स्कॉर्पियो क्लासिक वाला ही इंजन है। उसका फायदा ये हुआ कि थोड़ा सा इसकी एवरेज अच्छी आई है। अच्छा, हाँ इसकी ये हाईवे पे 19 टच कर रही है आराम से इजीली। तो पहली बार सुना मैंने। सबसे अच्छी एवरेज, मतलब मैं यही बात कहूंगा कि इसकी एवरेज अच्छी है। अच्छा, हाँ पावर में थोड़ा ही डाउन है क्योंकि वो 170 BHP है डीजल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये 130 BHP है, लेकिन इतना कोई फर्क नहीं लगा मुझे। रियर व्हील ड्राइव है, थोड़ी पावर सी है इसमें। अच्छा, और एक मतलब मैं छोटी सी जो इसमें गलती कर गया वो मैंने ऑटोमेटिक नहीं ली, क्योंकि मेरे पास मतलब सिलेरियो के टाइम से ही मेरे पास ऑटोमेटिक आई हैं सारी गाड़ियां। ओके ओके, तो ट्रैफिक जाम में फंसते तो कैसा रिस्पांस होता है? बस थोड़ा सा अब तो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन परेशानी तो होती है। गियर नॉब कैसा है? गियर नॉब वैसे स्मूथ है, हर गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है। हाँ ठीक है, गाड़ी अच्छी है, नो डाउट, रिफाइंड है बिल्कुल है, स्पीड भी अच्छी है, लेकिन हाँ तेज भगाने के लिए गाड़ी भी नहीं है। नहीं है, नहीं है। इसका एक ही ड्रॉबैक निकला मेरे को, इसका स्टीयरिंग कांपता है। कांपता है, हाँ कांपता है। उसकी मैंने क्या किया, या तो फिर वे कह लो कि मैंने अलॉय आफ्टर मार्केट लगवाए। इसमें भैया स्टील आते हैं, स्टील वाले आते हैं अलॉय, पर भाई ने इसमें लगा रखे हैं 17 इंच के। मैंने टायर साइज चेंज नहीं किया, 45-65 R17 लगा, टायर वही रखा, काफी अच्छे रहे। टायर वही रखा था, टायर साइज चेंज को अपग्रेडेशन का मेरा कोई वैसे प्लान नहीं था जेन्युइनली, ठीक है, लेकिन मैंने अलॉय आफ्टर मार्केट लगवाए थे। कितने के पड़े ये? तो कुछ नहीं, ये अपने क्रोलबाग जिंदाबाद, क्रोलबाग से लगवाए। फिर भी कितने लगवाए? 46,000। 46,000 रुपए के सिर्फ अलॉय? सिर्फ अलॉय। अच्छा, ये पसंद है आपको? ये पसंद आए थे इस वजह से। टायर साइज वही है? टायर साइज वही है। आपकी जो ये हेलोजन आपने इसको रखा हुआ अब तक? ये पीली लाइट इसलिए रखी हुई है कि भाई बेसिकली हरियाणा से हैं तो खेतों में और इसमें चलने वाली गाड़ियां हैं तो फॉगिंग एरिया टाइम में बड़ी परेशानी होती है। नीचे की तो व्हाइट है? ये नीचे की व्हाइट है, ये दिखती है दिन में, दिखती है और रात को वो चाहिए मुझे। लेकिन रात में दोनों जलती है? रात में फिर ये कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा लगता है। अच्छा, आप ट्राई करके देखना, सीरियसली काफी अच्छा लगता है। ओके ओके, हाँ जी। अच्छा ये बताओ मेरे को, आप लोगों को सजेस्ट करते हो कि भाई ये गाड़ी मैनुअल में लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, ऑटोमेटिक जरूर होनी चाहिए। भीड़ भाड़ में कितना माइलेज दे रही है आपको ये? भीड़ भाड़ में मेरे को 15-16 दे रही है। अच्छा, दे देती है जी। अभी आप बेसिक चेक कर लीजिए, दिल्ली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था। हाँ, अभी भी मेरे ख्याल MID में 15 प्लस शुरू कर रही होगी। ये तो गजब है भाई, ये तो हमारी दिन देती हमारी दे रही है सर, हमारी तो 11-12 देती है। कोई BHP का फर्क आ गया ना, आपकी 170 BHP वाली है, मेरी 130 BHP वाली। तो भाई ध्यान रखना, अगर आप ये नीचे वाला मॉडल खरीद रहे हो और इसकी पावर कम है तो माइलेज ज्यादा है, माइलेज ज्यादा है तो पैसा बचता है, कुछ ना कुछ बचता है। बचता है। नहीं नहीं नहीं, बाहर से मैंने यही लगवाए हैं, बाकी सारी स्टॉक गाड़ी है। स्टॉक गाड़ी है, अच्छा। बाकी सारी स्टॉक गाड़ी है। बैक साइड से तो खैर वो भी Z4 है यार, ये भी Z4 है। Z4 है, वही है। भाई ने नीचे भी कुछ कराया नहीं है? कुछ भी नहीं। तो वो नीचे यस ऐसा ही आता है, स्टॉक गाड़ी है बिल्कुल, ऐसी की ऐसी एज इट इज गाड़ी है। और इस गाड़ी में जो एक नॉर्मल कस्टमर को जो फीचर्स चाहिए ना वो है इस गाड़ी में, सीरियसली है। जी जी, मेरे पास ब्रेजा थी उसके टॉप मॉडल से ज्यादा फीचर्स है। हाँ बिल्कुल, शार्क फिन एंटीना भी है सर। डिग्गी खोल एक बार देखना, गड्ढा अभी भी है क्या इसके अंदर जो ये गड्ढा आता है? हाँ भाई, ये गड्ढे वाली गाड़ी है, ये बढ़िया यार। नहीं नहीं, इसमें है ही नहीं गड्ढा। नहीं है सर, होना चाहिए था। क्यों?
इस गड्ढे से फायदा ये होता है आप बहुत सारा सामान घुस जाते हैं उसके अंदर। अच्छा 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 अच्छा, तो ये क्या नीचे नीचे माल घुस जाता है? ये मेरे को तो अभी पता चला। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन लेटेस्ट गाड़ियों में आजकल नहीं है, पर बैक साइड से तो खैर दोनों गाड़ी भैया दोनों बिल्कुल स्टॉक गाड़ी आप देख लो। नहीं गाड़ी तो सर बहुत बढ़िया है, पर ये खुशी अच्छा ये लगवा लिया ना आपने? ये लगवाए हैं सर। ये क्या होता है कि नाखून वगैरह लग जाते हैं तो थोड़ा सा, मैं तो पहले बोलता लगाने के लिए ये देख लो भाई इस गाड़ी के अंदर। भैया गाड़ी तो खैर दमदार गाड़ी रखी हमने। हाँ इसमें देखो आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, बताने की जरूरत नहीं है भाई ने ये भी लगवा लिया। कितने लगवाए आपने ये? आई थिंक पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं, मेरा दोस्त था साथ में, 5000 रुपए दिए होंगे, 4-5000 रुपए। आप तो मुझे लग रहे हो थोड़े किफायती काम कराने वाले आदमी लग रहे हो। एक्चुअली गाड़ी को मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, गाड़ी को गाड़ी रहने दीजिए, गाड़ी को घर ना बनाए। जी 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 बिल्कुल सही कर यार, इतने भी नहीं करने चाहिए, जो जरूरत है वही। गाड़ी की जो जरूरत है, मेरे को क्रूज कंट्रोल चाहिए था, मेरे को कूल ग्लोव बॉक्स चाहिए था, मेरे को जो चीज चाहिए थी वो मेरे को नेसेसिटीज में मिल रही थी। नहीं बिल्कुल आपका, मैं उस पर जेड एल पे क्यों जाऊँगा मैं? नहीं नहीं आप अच्छा कि आप ज्यादा पैसे नहीं लगाए, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है मॉडल तो नीचे वाला ही रहेगा। मॉडल तो चाहे इसमें 10 लाख रुपए लगा लो ऊपर से, चाहे कुछ भी लगवा लो सर, जब कल बेचोगे ना Z4 का रेट मिलेगा, Z4 का रेट मिलेगा, नहीं मिलेगा हमें। हाँ नहीं मिले, मैं कह रहा हूँ मेरी गाड़ी में यार इतना मैंने माल लगवा लिया, आपने काफी लगवाया, तो फिर क्या फायदा मेरे को? मेरी गाड़ी तो Z4 ही है। और ये भी नहीं है अगर किसी को दे तो इन चीजों को उतार के दे, ऐसा भी यार ये फिर गाड़ी बचेगी क्या? गाड़ी बचेगी नहीं, गाड़ी बचेगी नहीं। और बता रहा हूँ आपको मैं, नीचे वाला मॉडल खरीदा तो नीचे वाला ही रहने दीजिए, लिमिटेड पैसे लगाइए इसके अंदर, लिमिटेड ही लगाने चाहिए। मैं वो बोल रहा हूँ गाड़ी को गाड़ी रहने दो, गाड़ी को घर ना बनाए। गाड़ी 12 लाख की भी Z2 आ रही है। चलो उसमें थोड़े फंक्शंस कम है, थोड़े से जो नेसेसरी के हैं, जैसे क्रूज कंट्रोल है, लंबे रास्ते पे जाना है, कूल ग्लोव बॉक्स है, पानी वानी ठंडा करना है, ठीक है, कुछ यार दोस्त कुछ और भी ठंडा कर लेते हैं उसमें तो चल रहा है ऐसे, अच्छा चल रहा है। अब मैं जाऊँ कि Z8L में मेरे को क्या मिल रहा है उसमें? मेरे को उसमें लाइटें एक्स्ट्रा मिल रही हैं, मेरे को रोशनी तो रात को ये भी दिखाएगी वो भी दिखाएगी। भाई जी आज अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे शायद व्लॉग देख चुके हो, 28 लाख की बंदे ने गाड़ी खरीदी है, Z8 ऑटोमेटिक LB होगी, पता नहीं क्या कह रहा। 28 लाख, मैंने कहा भाई मेरी गाड़ी 20 लाख की है और सारे मैक्सिमम अच्छे फीचर हैं, 8 लाख का फर्क है। 8 लाख में गाड़ी रहती है, 8 लाख अपने आप अपनी गुड़िया की कोई FD करवा लो, एक गाड़ी हो जाएगी भाई, या फिर छोटी गाड़ी ले लो, पंच आ जाएगी हमारी, बिल्कुल आ जाएगी, एक गाड़ी और आएगी। अगर चलो गाड़ी की नेसेसिटी नहीं है तो अपनी गुड़िया के नाम FD कराओ, क्यों पैसा वेस्ट करना? और अंदर बैठ के मालूम पड़ता है किसी को क्या कहा, अंदर मालूम नहीं पड़ता भाई, क्योंकि साइज बराबर है, ऊंचाई बराबर है, फुटस्टेप लगा हुआ है। तो ये हो कि भाई Z8L वालों को रोड पे कुछ एक्स्ट्रा मिलता हो। हम ये नहीं करें कि जिन्हें Z8 ली है ऊंचा मॉडल लिया गलती की है भाई, बड़ा बढ़िया किया वो, उन्होंने अपनी नेसेसिटी। हमारा पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट क्या है कि Z2 है तो Z2 रहने दो, Z4 है तो Z4 रहने दो, इसको ज्यादा पैसा मत खर्चो, ज्यादा खर्चोगे उसकी वैल्यू नहीं, वैल्यू नहीं, वैल्यू भी नहीं, चलाने का मजा वही आता है, चलाने का काफी अच्छा मजा आ रहा है इसमें। भाई सुमित जी मैंने देखो बहुत गाड़ियां चलाई है, मैंने सफारी भी चलाई है भाई, इको स्पोर्ट चलाई है, वैगनआर चलाई है, और मैं गाड़ी लंबे समय में रखता हूँ, लेकिन जो मजा मेरे को स्कॉर्पियो में आ रहा है ऑटोमेटिक में, बता रहा हूँ मैंने ऐसी मतलब मजा आता है मेरे को। ये गाड़ी का जो स्टीयरिंग भी बहुत इलेक्ट्रिक है भाई, बिल्कुल इसमें तो इसमें हाइब्रिड है, इसमें मैनुअल है, हाइड्रो, हाइड्रो की मुझे इतनी इसकी स्टीयरिंग की कोई समस्या नहीं आई, लेकिन 17.5 लाख की आपको पड़ी, मेरे को पड़ी थी मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक Z4 18,40,000 की विद एक्सटेंडेड वारंटी, बिकॉज मेरी इंट्रोडक्टरी प्राइस की थी। बताओ अगर मेरे पास ये डील होती तो मैं इस पे ही ना चला जाता। 18,40,000 की विद एक्सटेंडेड वारंटी, बिल्कुल सर, पर वो 1,15,000 रुपये महंगा पड़ गया। तो भाई ये भाई की गाड़ी है, भाई का पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगा इसके अंदर कि यार जो है उसको वैसा रहने दो, जो उसको ऐसा रहने दो, या फिर ऊंचा मॉडल खरीद लो, या फिर अगर लेना है तो Z8L ले लो यार, हाँ और क्या, क्यों इसमें भी करवाए, बिल्कुल 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 है ना। और ये जो इन्होंने बताया गाड़ी का भाई कि माइलेज अच्छी मिल रही है, माइलेज काफी अच्छी मिल रही है, नो डाउट माइलेज बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, आप चलाओ वहाँ आपको थोड़ा अंडर पावर मिलेगी गाड़ी, लेकिन इतनी भी अंडर पावर नहीं है, चढ़ानी है रोड पे चलने हैं, कह तो रहा हूँ दौड़ेगी 132, ये BHP तो काफ़ी है। लेकिन यार ये पॉइंट जो आपने क्लियर किया इस ब्लॉक के अंदर कि अगर नीचे वाला अगर आपकी पावर कम है इसमें तो माइलेज ज़्यादा है, माइलेज ज़्यादा है, हमारी की पावर ज़्यादा है तो भाई माइलेज कम है, ये पॉइंट भी हमने क्लियर कर दिया। और आपने ऊपर से कितने पैसे खर्च दिए इसमें? ऊपर से कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं लगा, मेरे ख्याल से 70,000 रुपए लगे थे अलॉय कुछ, तो 17,30,000 मतलब 50 की थी, मैंने 20,000 से 18, 30 और 70
तो कितनी 17-30 पूरे 18 लाख की डॉट गाड़ी, 18 लाख की गाड़ी देख रहे हैं भाई, जो देख रहे हैं आप खड़ी है भाई की, लेकिन लगती है गाड़ी ये, गाड़ी देख के लगती है, तो हमें पता है कौन सा मॉडल। एक्चुअली मैं एक बार अपने भाई के साथ गया था, तो मैं यार चल किया लेते हैं, अच्छा तो 17.5 लाख। अब मैं किया वाले को बराबर में खड़ा कर लूं, और ये गाड़ी थोड़ा माचो फील तो है नहीं, जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, बता रहा हूँ उसमें परफेक्ट मैच कर रही है, परफेक्ट मैच कर। ये गाड़ी जब आप किसी को भाई लगती है गाड़ी है, मुझे कोई पूछता है मैं बोलता हूँ 25 लाख की गाड़ी है, क्योंकि मालूम नहीं पड़ता कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है। मैं ये नहीं करेंगे ना, तो आजकल कंपनियां दे रही हैं Z2 है, लिखाई नहीं पीछे, कहीं पीछे लिखाई नहीं है, तो वो कहते हैं ना थप्पा कहाँ है, हाँ थप्पा कहाँ है, पहले कंपनियां करती थी ऐसा, बंदे की औकात ना पीछे लिख देती थी VXI, ये सारी लिखी होती थी, इसमें लिखा था, वो बोले कि ऑटोमेटिक को अलग से मेंशन किया जाता है, ये AMT है, वो बंदे की औकात दिखाते थे, ये नीचे वाला मॉडल खरीदो यार, बिल्कुल गाड़ी में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी गाड़ी बढ़िया है। चलो बढ़िया भाई, और अब चलते हैं, भाई ने जाना अपना सोनीपत, कभी वहीं आएंगे तो वहीं मिलेंगे, बट आपने जो तजुर्बा शेयर किया है ये काफ़ी वैल्यू एडिड होगी लोगों के अंदर, और जो आप यही वही भाई से हैं जिनकी गाड़ी में जो बताया था इंट्रोडक्टरी प्राइस का आपको नहीं मिली थी। तो थैंक यू वेरी मच सुमित जी, जल्दी मिलेंगे, भगवान ने चाहा, थैंक यू सो मच, राइट जी, जय हिंद जय भारत।